अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जी हाँ, मैंने जो है वो दराज से जो है वो दो चीज़ें जो है वो मंगाई थी, और मैंने सोचा कि आप लोगों से भी जो है वो शेयर कर लूँ इसको ओपन करने से जो है वो पहले। पर आप लोगों ने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो है वो बेल आइकन भी बजा दें ताकि जो है वो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग जो है वो मेरी वीडियो जो है वो आसानी के साथ जो है वो देख सकें। और जी मैं यहाँ जो है उसकी जो है वो ओपनिंग करूँगी, इसको खोलूँगी और फिर दिखाऊँगी आप लोगों को। मैंने जो है यहाँ डोर जो है वो शॉप पर मंगाया था और उसके साथ जो है मैंने ये मंगाया था वॉशिंग जो है ये बेल्ट है, क्योंकि जो है वो बैग पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो हाथ जाने में जो है मुश्किल होती है अक्सर जो है वो। और कुछ टाइम पहले भी जो है मेरे हाथ में जो है मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में कि मेरे हाथ में जो है वो मसला हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, इसलिए जो है वो थोड़ी सी जो है मुश्किल हो जाती है। पर नो प्रॉब्लम, अब तो जो है वो हर चीज़ जो है वो मिल जाती है इजीली, इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि इसको जो है मंगा के जो है वो ट्राई किया जाए। और यहाँ जो है वो मैं पर्पल मंगा रही थी, पर सिस ने जो है वो ये ब्लू वाला जो है मंगा लिया है और बहुत अच्छा है ये। मैंने इसको जो है वो यूज़ करा है, आप लोग भी अगर जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो इसको जो है वो दराज से जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको जो है वो किसी शॉप या मॉल से भी इसको जो है वो ये जो है वो मिल सकता है आप लोगों को ईज़िली। और अच्छा है ये कि इसके जो है वो हैंडल भी जो है वो दिए हैं ईज़िली, और इसके हैंडल पकड़ के जो है उसको वॉश कर लो। और आप लोग जो है वो मेरे चैनल को जो है सपोर्ट करें और वीडियो जो है वो एंड तक पूरी जो है वो देख लिया करें, और सेंटर में से जो है वो चले मत जाया करें, पूरी वॉच कर लिया करें, एंड तक देखा करें, मेरे साथ रहा करें पूरी वीडियो में एंड तक। और बस ईज़िली जो है वो ये इसको हैंड से जो है वो पकड़ लो, इसके हैंडल दिए हुए हैं और वॉश कर लो। और ये जो है बहुत अच्छा है, इसको जो है हमने वैसे तो हमें दो मंगाने थे अपने रूम के लिए, पर ये जो है वो एक ही आ गया, कुछ हमें जो है वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसलिए। और बहुत अच्छा है ये, और पहले मैं समझती थी कि इसको जो है वो बीच में जो है वो करेंगे अलग, बट जो है वो ये जो है वो ऐसे ही लगेगा बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है वो कीड़े मकोड़े जो है वो अंदर आ जाते हैं और डोर के नीचे जो है वो काफ़ी जो है वो गैप होता है, क्योंकि जो है वो कीड़े मकोड़े और ख़ास तौर पे जो है वो चुपकलियाँ जिससे जो है वो सब लोग ही जो है वो डरते हैं। और बहुत अच्छा है ये, मैंने जो है वो लगाया है इसको, मैंने सोचा कि आप लोगों को लगा के भी दिखा दूँ किस तरह से जो है वो लग जाता है। और काफ़ी लोग जो है इसको लगाते हैं, लेकिन हमने जो है इसको फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करा है और काफ़ी अच्छा है ये, और मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। और पहले मैं समझ रही थी कि कारपेट के जो है वो नीचे से जो ये आएगा नहीं, बट जो है वो इजीली जो है ये कारपेट के जो है वो ऊपर आ गया है, और डोर जो है वो इजीली जो है वो आराम से जो है वो ओपन और जो है वो क्लोज हो रहा है। और इसको लगाने के बाद जो है वो सुकून हो गया है रूम के अंदर, और स्लीपिंग टाइम में जो है वो डोर को जो है वो क्लोज़ कर देते हैं, इसलिए जो है वो फिर सुकून हो गया है, वरना जो है वो काफ़ी जो डर लग रहता है कि जो है वो चुपकली जो है वो आ ना जाए। और क्योंकि हर घर में ही होते हैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हर घर में होती हैं, चाहे आप जो है वो कितनी भी जो है ज़्यादा सफाई कर लो, पर कीड़े मकौड़े जो है वो बस आ जाते हैं घर के अंदर। और आप लोग जो है ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, जिसने ट्राई करा है उसको पता होगा कि कितना सुकून होता है इसको लगाने के बाद, और जिसने नहीं करा है तो वो ट्राई कर ले इसको। और जी मैं यहाँ जो है वो रोटी बना रही थी और साथ साथ जो है वो पराठा भी बना रही थी, जिसको जो है वो रोटी खानी थी और जिसको जो पराठा खाना था, इसलिए जो है वो मैंने जो है ये बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और मैंने जो है वो अपने लिए जो है वो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ जो है वो अलग सा जो है बना लूँ आज, क्योंकि जो है वो एक ही चीज़ या फिर एक ही स्टाइल में जो वो खा खा के जो बंदा जो है वो तंग आ जाता है, तो मैंने सोचा कि पराठा बना लूँ और पराठे के ऊपर जो वो आमलेट टाइप बना के जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल लिया था।
और काफ़ी मज़ेदार बनाता है ये। और मैंने इसको जो है वो लच्छे वाला जो पराठा होता है मैंने वो बनाया, और उसके बाद जो है मैंने अंडा लिया, अंडे के अंदर नमक मिर्च डाला और पुदीना डाला और ज़ीरा डाला, तो एक जो है ये मसाले टाइप जो वो रोटी लग रही थी और काफ़ी मज़ेदार लग रही थी। मसाले वाली जो रोटी होती है उस तरह की जो है वो, और ये बन गई थी। और मैंने इसको जो है फिर झटपट जो है वो खा लिया था क्योंकि जो मुझे काफ़ी जो है वो भूख लग रही थी। देखिए किस तरह से जो ये अलग अलग हो गया, और अंडा जो है इस तरह से जो है इस पे जो है वो चिपक गया था, इसके ऊपर डाल लिया था मैंने। और मैंने सोचा कि अलग अलग जो है वो क्या बनाऊँ, और आज जो है इसके ऊपर ही जो है वो डाल लिया जाए। मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा, और जो लोग नहीं बनाते तो मैं किसी दिन जो है वो ट्राई करूँगी दोबारा से बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, फिर आप लोगों की जो है वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है मैं सोच रही थी कि जी जो है वो आज जो है वो कहवा पी लिया जाए, फौरन डेली ही पीती हूँ मैं, लेकिन जो है वो खाने के फौरन बाद जो है वो ज़्यादातर जो है मैं लंच के बाद पीती हूँ दिन में, क्योंकि जो है वो रात के टाइम जो इतना ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं होता है खाने के लिए, क्योंकि खाना जो हम लोग लेट खाते हैं। और जी मैंने कहवा तैयार कर लिया था, और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, मेरी वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।